प्रोग्राम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाज़ी। कैसे हैं आप लोग? क्या मोहब्बत हमसे कम हो गई जो चोले उतार दिए। आज आप वो टीचर लग रही हैं जिस स्कूल की दीवारें नहीं होती। वैसे मैंने एक चीज नोट की है, आप चार्ली साहब और मेरी अक्सर मैचिंग हो जाती है। मतलब पिछले प्रोग्राम में भी हमारा जो कलर था वार्डरोब का वो सेम था। कुछ होने आज भी कुछ होने वाला? नहीं 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 नहीं, नहीं प्लीज खुशी होने सारी जिंदगी कुछ नहीं होने वाला। इससे पता चलता है बहनों बहनों में कितना प्यार है। सही बात। बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। हमारे आज के पहले मेहमान एक मशहूर शायर हैं और एक सिविल सर्वेंट हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब रहमान फारिस साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एमान खबर गर्म है उनके आने की। वाह, आज ही घर में बोरिया। वाह वाह वाह, क्या बात है बाबा जी। शेर बहुत बड़ा है, ये किसी होर बंदे को कुआओ फेरे दा मजा आएगा। हमारी आज की दूसरी मेहमान मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं, शी इज अ लॉयर टू। तशरीफ लाती हैं मुनव्वर सुल्ताना। मुनव्वर सुल्ताना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? एवान अल्लाह का शुक्र। ये बाल कितने इंटरेस्टिंग है ना, ये जो एक स्ट्रीक है बीच में ग्रीन सा कलर आ रहा है, क्या ये शौक है या कोई फैशनिस्टा या क्या, कैसे ये ग्रीन? ये मेरा अपना शौक है, जैसे मैं खुद डिफरेंट चीजें कैरी करती हूँ ऐसे ही मेरा ये शौक भी डिफरेंट। अच्छा, ये जरा आगे दिखाओ ये ग्रीन वाले जो बाल कराए हुए हैं। वाह वाह वाह, इतने खूबसूरत बाल है, तो आगे आने चाहिए, मतलब जो कलर इतना खूबसूरत है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बन रखती हूँ ना, तो तब नजर आता है। ये तो कुछ चीज लाओ तो वाज जाना मां। कुड़ियां दे कपड़े, कुड़ियां दे कैसी है, किसी चीज एक दूसरे तारीफ करने वास्ते, साडी तारीफ वास्ते कुछ है ही नहीं। हाय वाकई कुछ है ही नहीं ना तारीफ करने वास्ते। तू सब तो खुशकिस्मत बाबा, तू बंदा तेरी तकदीर ऊपर ही पई है। प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू सो मच। रहमान फारिस साहब, मुझे ये बताएं कि शायरी की तरफ कैसे आना हुआ? क्या बचपन से ही अपने टैलेंट का पता था या फिर बाद में जाके इस हिडन टैलेंट को डिस्कवर किया? शायरी का टैलेंट जो है ये खुदादाद सलाहियत है। मेरा ये ख्याल है कि इसको चमकाया पॉलिश तो किया जा सकता है, लेकिन इसको पैदा नहीं किया जा सकता। जैसे आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, वो खुदादाद सलाहियत साथ ले के पैदा होते हैं। ये वदियत है, अता है, कोशिश से नहीं मिलती, रजा से मिलती है। कुव्वत बाजू से नहीं मिलती, दुआ से मिलती है। तो मुझे ये लगता है कि शायरी हो या कोई भी फ़नून लतीफ़ा की दूसरी फील्ड हो, आप उसकी सलाहियत अपने साथ खुदाए बुजुर्ग बदतर की तरफ से लेके आते हैं। तो मुझे बचपन से इस बात का इदराक था। मेरा ये ख्याल है कि शायरी जो है वो रिदम, तनासब, तवाज़ुन और बैलेंस का नाम है। जैसे बैलेंस कुछ लफ्जों में आ जाए तो शेर बन जाता है, अच्छे रंगों में आ जाए तो पेंटिंग बन जाती है, अच्छे खदुखाल में आ जाए तो अच्छा चेहरा बन जाता है, और अच्छे सुरों में आ जाए तो अच्छे राग बन जाते हैं। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। तो मुझे शुरू से बचपन से नुसरत फतेह अली खान की कवालियां, मेहदी हसन साहब की गजलें, ये सुन के मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो बैलेंस स्ट्राइक करता है। उस वक्त मुझे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि वो बैलेंस शेर को कहते हैं। तो तुकबंदी शुरू की स्कूल कॉलेज के ज़माने में, बज़्म अदब के पीरियड्स हुआ करते थे, उस ज़माने से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ। और शायर को तलामीज़ुर रहमान कहते हैं, शायर अल्लाह का शागिर्द होता है, वो पढ़ लिख के ही सीखता है जी। तो वहीं से मुझे एहसास हुआ। फिर यह कि थोड़ा इनहेरिट भी किया, बचपन में घर में माहौल ऐसा था, किताबें बिखरी हुई होती थी हर तरफ, तो पढ़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। तो मीरो गालिब से स्टार्ट करके क्लासिक से नीचे तक आए। मुझे ये हमेशा लगता है कि अगर आप जितना पीछे जाएंगे आप अपनी ज़िंदगी में उतना ही आगे सफ़र करेंगे। जैसे जब आप तीर और कमान को, तीर को जितना पीछे खींचते हैं तीर उतना ही आगे सफर करता है। फास्ट बॉलर जितना पीछे से दौड़ के आता है उतनी ही तेज बॉलिंग करता है। लॉन्ग जंप करने वाला जितना पीछे से दौड़ के आता है उतना ही आगे लंबा जंप करता है। तो आपको किसी भी आर्ट को समझने, परखने, जानने बूझने के लिए और उस आर्ट को अपना पेशा बनाने के लिए बहुत पीछे क्लासिक्स में देखना चाहिए। शायर हो तो क्लासिक में देखे, सिंगर हो तो क्लासिक्स में देखे, आर्टिस्ट हो तो क्लासिक्स में देखे, आपको वहां से ऐसी जिंदा मिसालें नजर आएंगी जो आज के जमाने, आज के दौर और आज के वक्त में भी बहुत रेलेवेंट होंगी। रेलेवेंट हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, आपने
जब आपने असातजा को पढ़ा तो किसकी गजलों ने नज़मों ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया और अपने फेवरेट शायर की कोई हमें गज़ल सुना दें, कोई कलाम ही उनका सुना दें? देखिए, एक शायर जो है वो 101 लोगों से सीखता है। क्लासिक्स की आपने बात की तो वली दक्कनी के दौर से लेके मीर से गुजरते हुए गालिब, ज़ौक, शिफ्ता, मसफ़ी, मोमिन, उस्ताद बहादुर शाह ज़फ़र ख़ुद जो बादशाह थे उनके उस्ताद थे उस्ताद ज़ौक। मीर का एक शेर हमेशा से मेरे जहन में बसता है, सरापा निगारी जो है, सरापा की तारीफ, ख़ासतौर पे एक फेमिनन ब्यूटी की तारीफ के हवाले से मीर का ये शेर आफाकी हैसियत रखता है और आप इसको कहीं भी झुटला नहीं सकते। शेर है कि सरापा पे जिस जा नज़र कीजिए, वाह, सरापा पे जिस जा नज़र कीजिए वहीं उम्र सारी बसर कीजिए। पापा भी इन्हें बड़े शेर सुनाऊंगा। अच्छा, सरापा जिस जा नजर कीजिए हमें 1000-2000 दीजिए और जल्दी दे के हमें परे कीजिए। मुझे यकीन है कि मीर की रूह जहाँ भी है अल्लाह जन्नत नसीब करे जरूर तड़प उठी हो। कुछ गालिब का इरशाद कीजिए। गालिब का एक शेर है कि हमसे खुल जाओ बवक्ते मैं परस्ती एक दिन वरना हम छेड़ेंगे रख के उजरे मस्ती है। गालिब के शार में आपको एक बड़ी खूबसूरत बात ये मिलेगी कि बहुत मुश्किल पसंदी से बहुत आसान, सहल, सादा, सलीस जबान भी इस्तेमाल की है। मसलन, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। बाबा जी तो अपना भी शेर बनता है इस तरह, हम मांगे 2000 वो दे 1000, इलाही ये माजरा क्या है। रूह तड़पी सी ना मीर साहब की, गालिब साहब की मोरू ने आके तुम छितर मार रहे। गालिब साहब के पिंड का नाम तो गुड़गांव था ना, और राशिद कमाल दे गांव का नाम सी गुड़ खाऊं। मुनव्वर सुल्ताना, मुझे ये बताओ कि मार्शल आर्ट्स में कैसे आई? क्या अम्मा ने फोर्स किया कि इसकी ट्रेनिंग लो, सीखो, आगे जाके बहुत काम आएगा, नहीं, या फिर खुद से ही शौक था कि मुझे मार्शल आर्ट्स में ही जाना है और प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है? एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी है वो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, तो यहाँ पे लड़कियों को नहीं कहा जाता कि आप जाके सीखो, जबकि लड़कियों को ज्यादा जरूरत है बिल्कुल। लड़कियों को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत जरूरत है, वायलेशन होती हैं बहुत सारी किस्म की जिसमें डोमेस्टिक वायलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये सब चीजें सीखने की होती हैं, लेकिन सब कहते हैं ये तो लड़कों का काम है, लड़कों को आना चाहिए। लड़कियों को कहा जाता है ये तो बहुत नाजुक है, इसमें नजाकत होनी चाहिए, हुस्न हो, मतलब के कहते हैं ना पानी पीवे तो नजर आए, इस तरह की नजाकत के साथ उनको तशबीह दी जाती है। लेकिन कहा जाता है कि औरत सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसी से ही ये जितनी कायनात है उसी के वजह से बसती है, तो औरत नाजुक नहीं, औरत बहुत ताकतवर है। और इसका शौक मुझे इस तरीके से था, बचपन से मुझे कराटों का शौक था। रियली? जी, लेकिन मेरी फैमिली जो थी वो कहती थी नहीं, जैसे कि सबकी फैमिलीज होती है कि नहीं नहीं नो नो, क्योंकि मेरा बेसिकली जो ताल्लुक है वो जंग से है। अच्छा। तो हम सियाल भी हैं, सियालों में कहा जाता था कि भाई लड़की तो नहीं करेगी ऐसा कुछ भी। उसके बाद मुझे शौक था, अपनी डिग्रीज में कंप्लीट करती रही, लेकिन मैंने ना एक दफा जब मैं लॉ कर रही थी तो तब मैंने अपने वाले साहब से पूछा कि मुझे आप करने दें, मुझे बहुत शौक है। ये 2017 की बात है, तो मेरे वाले साहब कहते हैं जब तुम्हारी डिग्री हो जाएगी ना उसके बाद बात करना मुझसे। अच्छा। लेकिन जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसी दिन मैंने उनको रिजल्ट दिया और मैंने कहा पापा अब मैं जा रही हूँ, आप मुझे रोकिएगा मत। लेकिन फिर मेरे वाले साहब थोड़े से नाराज भी हुए, बुरा भी माना, लेकिन जब मैंने चैंपियनशिप जीती तो सबसे ज्यादा खुश भी वही थे, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हड्डियां तोड़ती हैं क्या, कभी कोई टिंड भी तोड़ी है आप? मौका मिलेगा तो दोनों काम कर लेंगे। मिला आए, मौका दे रहे हैं आपको, आए कोनी मारे और टिंड तोड़ देंगे। मुनव्वर सुल्ताना टिंड तोड़े तो फिर बाद में दिल ना तोड़े। बाबा जी जिड्डे तुसी बुजुर्ग हो उन्होंने तुहाडे गोडे भी तोड़ देने, उन्होंने दिल कर जिहदे तुसी दिल दी गल करना पहली केक ही दिल ते वजनी। नाम इनका शायराना है मुनव्वर सुल्ताना, फिल्मी नाम, काम इनका कराटे इन्हें तो ना होना जिदा मुनव्वर छुरी मार, मुनव्वर कैंची, मुनव्वर कान कुतरी। वैसे मुझे कॉलेज में सुल्ताना डाकू भी कहा जाता था। बात फिर रहमान पारे साहब, यू आर सर्विंग इन FBR, आप एक सिविल सर्वेंट हैं और आप पोएट भी हैं, मतलब दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें अगर बात की जाए, तो कैसे वो सिविल सर्विसेज में आए? इतना मुश्किल होता है, इतना पढ़ना पड़ता है,
फिर आप शायरी भी करते हैं, तो किस तरह से ये दोनों चीजें, मुझे थोड़ा सा समझाएं, मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए, एक मेरा प्रोफेशन है सिविल सर्विस और एक शायरी मेरा पैशन है। ठीक है, तो इसके दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आपका प्रोफेशन ही आपका पैशन हो और बहुत नज़दीक तरीन हो, जैसे कोई टीचर या प्रोफेसर है या लेक्चरर है उर्दू का या अंग्रेजी का, और वो शायर भी है अंग्रेजी या उर्दू का, तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आपका पैशन और प्रोफेशन दोनों दूर दूर अपोजिट होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर आपका प्रोफेशन कुछ और है, आप सुबह 9 से 5, जैसे मैं हूँ FBR में, और मैं आदाद व शुमार, स्टैटिस्टिक्स, डिजिट्स, नंबर्स के गोरख धंधे में हर वक्त फंसा रहता हूँ। बिल्कुल। तो अब जब 5 बजे मेरी तबीयत से वो बंद, वो जोर, वो एक डैम उतरता है, तो मेरी तबीयत पूरे जोर के साथ शेर और तख्लीक की तरफ आती है। अच्छा। गालिब का शेर है कि पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले। वाह। पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवा। और तो जब आपकी तबीयत पे एक बंद लगता है और वो मुसलसल लगा रहता है, तो आपके जो तख्लीकी फवारे, तख्लीकी चश्मे हैं, वो उस बंद के हटने के बाद पूरी तवानाई के साथ फूटते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपका पैशन और आपका प्रोफेशन दूर दूर है, तो एक तख्लीक कार को, एक आर्टिस्ट को उसका नुकसान नहीं, फायदा होता है। ये गोशवारे तो भी लिखते होंगे क्या? जिसने भरा नहीं पूरा टैक्स, वाह, उसको सजा मिलेगी नेक्स्ट। और उसके कमरे के आगे लग जाएगी बहुत बड़ी फ्लैक्स। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम जरूर होता है ऐसे लोगों को कि जो आर्टिस्टिक माइंड भी रखते हैं और सिविल सर्विस में भी हैं। मुर्तजा बरलास एक शायर हैं, बहुत ही कमाल के, हमारे उनसे बहुत न्याजमंदी का ताल्लुक है। उनका एक शेर है कि दोस्तों के हलके में हम वो कज मुकद्दर हैं, दोस्तों के हलके में हम वो कज मुकद्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। उधर वाले अफसर नहीं मानते, उधर वाले शायर नहीं मानते, अफसर कहते हैं ये शायर है, शायर कहते हैं ये अफसर है। तो ये दोनों जगह आपको एक शनाख्त का, तशखीस का, आइडेंटिटी का मसला जरूर। यही मसला इस बच्चे को भी है, जाए वो मर्द नहीं मान के जनाना है, जनाना में कहते हैं मर्दाना है। बाबा जी का भी यही मसला है। क्या? बाबी हस्बैंड नहीं मानती, बच्चे अबू नहीं मानते। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग तारों से करें बातें। फारिस साहब, कोई ताज़ा कलाम हमारे देखने वालों की नज़र करें। मैं पेश करता हूँ कुछ पुरानी चीज़ें जो, और एक आधी ताज़ा गज़ल। जी ज़रूर, इरशाद। और मैं यकीनन जानता हूँ कि इसकी पैरोडीज़ भी बनेगी, और मैं इसीलिए वो वायरल चीज़ें अपनी पहले सुना रहा हूँ ताकि आपको उसकी पैरोडी बनाने में आसानी हो। अच्छा। आप घबराए ना, हम नहीं बनाते, खुद ही बन जाए तो बन जाए। बननी चाहिए, मुझे खुशी होगी। एक शेर है कि इरशाद, जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, और आ गया, तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। इसका एक पैरोडी बनी थी, जब उसकी जिंदगी में कोई खान आ गया, तब मैं भी गांव छोड़ के मुल्तान आ गया। मुख्तलिफ शहरों के नाम शुरू हो गए थे काफिया बन बन के। तो एक शेर है अमूमन जो मैं अक्सर उस जगह पढ़ा करता हूँ जहाँ मेरी बेगम नहीं होती। अच्छा। लेकिन आज आपकी बेगम है भी नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन वो इस कैमरे के तवस्सुल से जरूर उन तक पहुँच जाएगा। बहरहाल के न दिल का इज्न न दिलदार की इजाज़त है, स्पेशली बाबा जी आपके लिए, कि न दिल का इज्न न दिलदार की इजाज़त है, वगरना दीन में तो चार की इजाजत है। भाभी को भी देख रही है, और फिर इसके बाद भाभी के डर से ही उन्होंने बाबा जी को डेडिकेट कर दिया। दो शेर और सुन लीजिए कि इश्क टूटा तो इस्तखारा किया। वाह वाह वाह। इश्क टूटा तो इस्तखारा किया, और फिर इश्क ही दोबारा किया। और मैं तो महफिल से उठने वाला था, मैं तो महफिल से उठने वाला था, फिर किसी आंख ने इशारा किया। क्या बात है, क्या बात है। इश्क टूटा तो इस्तखारा किया, चार्ली को जो भी मिला इसने गुजारा किया। इश्क टूटा तो इस्तखारा किया, चार्ली को 500 मिलता था, ये इसने खुद ही हजारा किया। इश्क टूटा तो इस्तखारा किया, हम तो बाबे थे बस नजारा किया। इश्क टूटा तो इस्तखारा किया,
इसकी बीवी को 24 साल रिश्ता ना मिला, उसने ये फिर बेचारा किया। इश्क टूटा तो इस्तखारा किया। वाह। और बाबे की उस दिन टिंड हुई जब बाबे ने इश्क दोबारा किया। इश्क टूटा तो इस्तखारा किया। वाह। बाबे की शादी हुई, इसकी सहेलियों ने पूछा बीबी ये की कीता, कहती बस मैंने गुजारा किया। एक शेर और पढ़ दूं, ये बड़ी अच्छी मजे की पैरोडी। जी जी। ये एक शेर चार्ली भाई आपके नाम के, जबान पर मसलहत दिल डरने वाला। वाह। जबान पर मसलहत दिल डरने वाला, दिल डरने वाला, बड़ा आया मोहब्बत करने वाला। मोहब्बत करने वाला। ए चार्ली दी बेगम ने भी ये वास्ते शेर पढ़िया। क्या? जुबां पर मसलहत दिल डरने वाला, वाह वाह, मुझे बहाने आया डांस करने वाला। जुबां पे मसलहत दिल डरने वाला, ये जनाना हर एक को देख के मरने वाला। एक वजन के कुछ शेर में और पेश करना। जरूर जरूर। बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, और तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू, तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं। आना तो है। तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू, तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं। वो जो हमें अजीज है कैसा है कौन है, क्यों पूछते हो हमने बताना तो है नहीं। अरे वाह क्या बात है। दुनिया हम अहले इश्क पे क्यों फेंकती है जाल, हमने तेरे फरेब में आना तो है नहीं। और अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है नहीं। बाबा जी आखिरी शेर आपके नाम दोबारा की, वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के। वाह। वो इश्क तो करेगा मगर देख भाल के, फारिस वो तेरे जैसा दीवाना तो है नहीं। क्या? वो इश्क करेगा देख भाल के, क्योंकि अच्छा खासा लड़का है, जनाना तो है नहीं। तुम क्यों तैयार हो के फिरते हो राशिद, तुम तो बदनाम हो, तुम्हें किसी ने बुलाना तो है नहीं। बाबे वर्गा बंदा है नहीं शेर सुना दे हुंदा, हम तो बेघर हैं ठिकाना तो है नहीं, बाद च पता लगता चार कोठियां ने बाबे दे नाम। जिसे घर भी चला जाए घर दे कहंदे ने दफा हो जाए यहां से क्यों बैठे हैं, खाना तो हमारे पास है नहीं। वैसे शेर और शायरी का माहौल बना तो एक शेर मैं भी सुना देता। वैसे तो मेरे विरसे में कुछ भी नहीं सो हम, वैसे तो मेरे विरसे में कुछ भी नहीं सो हम, बेमौसमी वफात का गम छोड़ जाएंगे। क्या बात है। एहो जी लड़की शेर अच्छा भी नाम ही पढ़े साहब कहते वाह 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 वाह। अरे क्या शेर कह दिया, दोबारा दोबारा दोबारा। अच्छा मुनव्वर सुल्ताना मुझे ये बताओ कि क्या कभी किसी ने प्रपोज किया, क्या किसी ने कभी अपना बताया कि वो उनको आपसे प्यार है, या कभी किसी ने शादी के लिए कहा, या फिर डरते ही रहे कि अगर प्रपोज कर दिया तो मार ही ना पिट जाए। मतलब कॉलेज में हर लड़की कोई ना कोई प्रपोज करता है, मुझे किसी ने नहीं कहा, सब कहते थे पता नहीं क्यों तुमसे डर ही लगता है सब। कि वो टेरर ही बहुत है भाई मुनव्वर सुल्ताना का, डर ही बहुत है। ऐसे ही है कॉलेज में लड़के कहते थे मुनव्वर सुल्ताना द नेम ऑफ टेरर, ये भी कहा जाता था मेरे बारे में। अल्लाह आने वाले मकेतर की खैर करे। इदां दीआं कुड़ियां कोई चाह पी रहे होवन तां थलो हाथ मार के चल जाए। इहो जिहीआं कुड़ियां नूं कोई कह भी देवे ना आई लव, क्या कहा, I love you sister। लेकिन मैं नहीं मुनव्वर सुल्ताना को डरता, मैं प्रपोज करांगा। हाँ जो मर्जी हो जिम, हाँ ये प्रपोज करेगा तुम्हारे। कर ले, मैं भाइयों की बात का बुरा नहीं मानती। भाइयों के नहीं बहनों की बात कर। रहमान साहब आप तो माशाल्लाह से मुस्तनद शायर हैं, ये सारे गैर मुस्तनद शायर हैं बल्कि अताई शोरा हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। जी जरूर भैया। अदाब उठाए, अदाब उठाए, अदाब उठाए। अजी आपने अदाब कह तो दिया है, मेरा भी साथ कह दीजिएगा। क्यों आप थे हैं, आप कुछ क्यों नहीं कहते। पहले तारुफ तो करवाएं आप लोग अपना। आपने हमें नहीं पहचाना? नहीं, हमारा तारुफ है चुल्ले खान साहब। चुल्ले खान साहब कौन सा नाम हुआ भाई? जो लिखा है अम्मी ने जलाया है। ये साथ जो जले मुंह वाले हैं इनका क्या नाम है? हाय हाय हिना जी, तंदूरी चिकन तो सुना होगा ना आपने? बिल्कुल। तंदूरी शायर नहीं सुना होगा? डोंट टेल मी आपका नाम तंदूरी शायर है। अरे
मुरब्बत मियां तंदूरी नाम है हमारा। तंदूरी साहब जो आपके साथ बैठे हुए हैं, क्या ये भी कोई शायर है या फिर किसी वर्कशॉप की टाकियां धोते हैं? नहीं, ये बेहतरीन शायर हैं। जाने ना जाने हिना ना जाने सारा बाग तो जाने है। वाह 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 वाह, तेरा की तलक बाग नाल और निम्मा दिया नमोलियां खान आलिया। हिना जी अर्ज किया है निमो की नमोलियां भर लो चोलियां। वाह 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 वाह, इस महंगाई में होता नहीं गुजारा, कर लो चोरियां कर लो चोरियां। वाह वाह वाह, क्या लाइन कह दी मैंने। वाह वाह वाह, क्या लाइन कह दी मैंने। किबला अजी किबला अजी किबला, थोड़ी सी दाद हमें भी देने दीजिए इसी तरीके से। निमो की नमोलियां है, क्या शेर हो गया। निमो की नमोलियां खा लिया, खाना ज्यादा अब खा लो हाथ में की गोलियां। ये साथ कौन है, ये क्या कोई मजदूर है या ये भी शायर है? कलम के मजदूर है हिना जी, कलम के मजदूर हैं, कुजरा वाले हुए हैं। तो आप भी कलाम शलाम लिखते हैं? हाँ जी, एक बार कलाम लिखे उदों दा बुढ़ी ने कलाम करना छड़ता जी। बुढ़ी एदी एनी चंगी है, सिर्फ एदे नाल ही कलाम बंद कीता। अच्छा। बाकी पूरे महल्ले नाल उदा कलाम सलाम बड़ा ठीक है। और मैंने सुना है जिस दिन से नाराज हुई है वादी ये कलाम चली गई। सुनो जी, अर्ज किया है इरशाद, इरशाद दिले नादान तुझे हुआ क्या है? दिले नादान तुझे हुआ क्या है? एक पासे मेरे खे है, दूसरे पासे मेरे सवा है। जदों जमे ना जी, लोगों ने वालदा ने भी यही शेर सुनाया। और आरो तेरी अम्मी नु जाके कहती है, रजिया नादान तुझे हुआ क्या है, खुद तुम अच्छी भली और ये जमा क्या है। बुजुर्गों क्या लाइन कह दी, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। मौसम की तब्दीलियां। वाह 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 वाह, आगे नहीं सुनाऊंगा। क्यों आगे भी सुनाओ ना। क्यों, मैं क्यों सुनाऊं, जो मर्जी हो जाए आगे नहीं सुनाऊंगा। भाई मौसम तब्दील हुआ तो आगे क्या हुआ, आगे भी सुनाओ। आगे भला क्यों नहीं सुनांदा? क्यों, अगो सिर च जुतियां ने। मैं कभी जज्बाती हो जाऊं तो मैं साथ वाले के भी दो तीन लगा देता हूं। हां भाई, शायरी अपनी अपनी। लो जी हिना जी, शेर अर्ज किया है अपने दादा की किताब ताना बाना में से जी। कभी हांडी जचती नहीं अदरक ना तुरिया तो। क्या कह दिया? कभी हांडी जचती नहीं अदरक ना तुरिया तो, आबद चारली ना मुंडिया चो ना कुड़िया। ना दे दाद देना, जरा सिर च दाद देना इस गल। नहीं मियां, हमारा हाथ तंग है, हमारे पास दाद है ही नहीं। आज हमारे पास से देख देख के शायरी उबर ना उबर के बाहर। एग्जैक्टली, लज शेर अर्ज कीता है वजीराबाद स्टेशन ते बैग लिखे है। आहा बड़ा बा, आहा आहा, कि तेरी जूड़े वाली बांह फड़के। हाँ हाँ, तेरी जूड़े वाली बांह फड़के, तेरी ठोडी हाथ ना तां करके, जे तेरा नाम पूछ लिया है ते तां की। वाह 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 वाह, दिल विच रह के भी दूर दूर रहंदे हो। दिल विच रह के भी दूर दूर रहंदे हो, करिए जे प्यार को कुत्ते वांगू पैंदे हो। अपना नाम जरूर ले। क्या शेर हो गया तुम्हारे बाबे से? क्या हो गया? लस्सी पीती पार्टी दी। लस्सी पीती पार्टी, दही खादा लवारी दा। दही खादा लवारी दा, दूरो दूरो अखियो मारे मुंडा पटवारी दा। पटवारी दा ना ज़ेनी मरीज होएगा जरूर। तानू वेख के तू बट्टा नहीं मारदा, अख किन्ने मारनी। गहराइयों से मैंने तुझे देखा है। दिल की गहराइयों से मैंने तुझे देखा है। आगे नहीं सुनाऊंगा। आगे क्यों नहीं सुनाएगा? आगे क्यों नहीं सुनाएगा? आगे क्यों नहीं सुनाएगा? तू अगे सुना, उन्हें ना पूरे पूरे शेर की गल हुई है, अगे सुना। अगे की सुनो भैया, बिन बिन दिल की गहराइयों से तुम्हें देखा है। अगे अगे, दिल की गहराइयों से तुम्हें देखा है। इस तो अगे, इस तो अगे, इससे आगे हमारी हदूद खत्म हो जाती मियां। शेर कितनी, अरे ले आगे ले, अगे बाबा बैठा। आगे नहीं सुनाऊंगा। आगे की मुनी सुनाऊंगा, ये शेर की कहानी है। सुना, ए मर जाएगा। आगे सुना, सुना
उधर मुशायरा हो रहा है, इधर बांदर किला हो रहा है। बांदर किला में क्या शेर हो गए? मोहब्बत की बात कहां से कहां निकली? मोहब्बत जिससे की हमने छह बच्चों की मां निकली। छह बच्चों की मां निकली, सुबह लाइट जलाकर देखा तो वो गां निकली। बाबे की नजर कमजोर है, वो टां निकली। और भाभी ने जब बाबे को दुलच्ची मारी, बाबे के कानों से शां शां निकली। कर कर के मर गए, इसके मुंह से ना हां निकली। जी शेर अर्ज किया है भाई, अपना अर्ज करना। भाई मियां, ये भी कील बाहर आया हुआ। हम गए वो आए, वो आए हम गए। इतनी आनी जानी, सफली शेर भाई। हम गए वो आए, वो आए हम गए। हिना जी ये बताओ, हम कितनी बार गए, वो कितनी बार आए? शेर इतने शेर सुनाना है यहाँ के काउंटिंग करना है। शेर सुना, शेर कितने हिसाब किताब से समोसे लाए नहीं, पूरा सुनाया। अच्छा हिना जी, मियां जी आप मारने में ईमानदारी नहीं कर रहे। जब हमारे मारा था वहां तक लेके गए थे हमें। चल लो अखे तक चल, बिल मार। भाई जब यहाँ तक ले आए हो दो और मारो, हिना तक छोड़ो। कितना वापस आ रहा है, वापस आ जाए, वापस आ जाए। भाई ये सबके साथ आप मारपीट क्यों कर रहे हैं? ओ हिना जी, मैं ठेके ते लेके आया चार शायर 1300-1300 दे। पैसे कट के कौन जिम्मेदार है? अजी चार का कहा है आपने, तो तीन तो हम है, चौथा किधर है? जे आज मेरे पल्लियों पैसे पे ना, तो मैं तानू चौंक च खिला के चित्र फेरने। जल्दी गड्डी नू फेर मारिया, वाह साढ़े को नहीं बजा, असी फेर मारिया। ये शायरी नहीं है, कशमकश है। जी अर्ज किया है हिना जी। इरशाद, इरशाद। याद आती है जब मुझको प्यार की वो रातें, याद आती है मुझको जब प्यार की वो रातें, तेरे भाई के वो मुक्के, तेरे अब्बे की वो लातें। तेरे भाई के वो मुक्के, तेरे अब्बे की वो लातें, और फिर हर रोज डॉक्टर से मुलाकातें। अच्छा हिना जी, आपकी इजाजत हो तो एक शेर इन पे कहा जाए पंजाबी में? जी इजाजत है। ਵੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਰ ਦੇਵਾਸੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਸਨੇ ਸ਼ਬਾਬ ਲੁਟਾਈ ਬੈਠਾ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਰ ਦੇਵਾਸੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਸਨੇ ਸ਼ਬਾਬ ਲੁਟਾਈ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਏ ਜਿਗਰ ਉੱਤੇ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਚਾਈ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚ ਉਹ ਫੁੱਲ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੱਸਿਆ ਏ शाम ढले आ जाती है यादों की बरसात। शाम ढले आ जाती है यादों की बरसात, मैनू धरती कली करा दे, मैं नचा सारी रात। है उर्दू का शेर है, हमको छोड़ गए किसके सहारे हिना जी, हमको छोड़ गए मुनव्वर सुल्ताना, आपको मार्शल आर्ट्स आती हैं? जी बिल्कुल, टाइम दिए है तो आता ही होगा। तो कितने लोगों को एक साथ मार सकती हैं? अलाउड तो एक ही होता है, लेकिन जरूरत पड़ जाए तो दो तीन तो आराम से। चले हम तो तब मानेंगे कि इन चारों को यहाँ से मार के भगा दें। दीदी इसी बात पे शेर अर्ज किया है हिना जी। इरशाद, मेरे इश्क को वो बेपरवाही से उजाड़ती है। ओए होए होए, मेरे इश्क को वो बेपरवाही से उजाड़ती है, जब भी गुस्से में हो जुडो कराटे मारती है। आप लोग जाएंगे या आप लोगों को मुनव्वर सुल्ताना से मार पड़वाऊं? जब तक मुबलिक 3900 रुपया हमारे पास नहीं आता, हम नहीं जाएंगे। अब ना करना आगे से नाना नाना, पीटने आ रही है तुम्हें मुनव्वर सुल्तान। अगर आपके पास है मुनव्वर सुल्ताना, तो हमारे पास है मुनव्वर जनाना। अदू बिल, अदू बिल। आओ सुल्ताना। Fire!
एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक. यू आर वॉचिंग तारों से करें बातें. फारूक साहब, आपकी वजह इस शोहरत कौन सा कलाम बना हमें भी सुनाइए. अमूमन जब आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पज़ीराई हासिल करते हैं, मकबूलियत और कबूलियत अल्लाह आपको अता करता है, बिल्कुल, तो वो एक से ज़्यादा गज़लें, एक से ज़्यादा शेर लोगों तक पहुँचते हैं. मेरे काफ़ी गज़लें इंडिया में गाई गई हैं, उनके दो एक दो प्लेज में भी आई हैं. कविता सेठ ने ये गज़ल गाई थी इंडिया में, वो मैं पेश करता हूँ. और अगेन खुशी होगी कि अगर ये लोग कितने टैलेंटेड लोग हैं उसकी भी पैरोडी बनाए. ये जो मुझ पर निखार है साईं, ये जो मुझ पर निखार है साईं, साईं ये जो मुझ पर निखार है साईं, आप ही की बहार है साईं, और आप चाहें तो जान भी ले लें, आपको इख्तियार है साईं. और तुम मिलाते हो बिछड़े लोगों को, तुम मिलाते हो बिछड़े लोगों को, एक मेरा भी यार है साईं. वाह वाह. और रोज आंसू कमा के लाता हूँ, गम मेरा रोजगार है साईं. और ये शेर सुनिएगा कि एक कश्ती बना ही दीजिए मुझे, एक कश्ती बना ही दीजिए मुझे, कोई दरिया के पार है साईं. और इसका आखिरी शेर है कि इश्क में लग्जिशों पे कीजिए मुआफ, साईं ये पहली बार है साईं. क्या बात है भाई, जबरदस्त. जिसे ना लैट आंदी होवे ना तो उथे आ शेर पढ़ लिया कर, किधर है मेरा साईं, मेरे करीब आ जाए मेरा साईं, साईं किधर और बधाई किधर. साईं अजी को गल करनी थोड़ी देरी बाहर जाई. ए भी कह रहे थे मेरा भी है कि यार साईं, उसको है इख्तियार साईं. राशिद कमार का पूरा टप्पर है बीमार साईं. मुनव्वर सुल्ताना, मुझे ये बताएं कि अभी तक कितने टाइटल्स अपने नाम कर चुकी हैं. मैं अल्हम्दुलिल्लाह दो टाइटल अपने नाम कर चुकी हूँ. एक सिल्वर मेडल में था और एक चैंपियनशिप पाकिस्तान में जो पहली चैंपियनशिप हुई थी, माशाल्लाह जबरदस्त, वहाँ पे मैं पहली पार्टिसिपेटर थी. अब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारी लड़कियां इस फील्ड में आ चुकी हैं. और मेरा जो मोटिव है एग्जैक्टली जो मैं कहती हूँ, मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाना चाहती हूँ. और मैं ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे टाइटल्स अपने नाम कर रहे हैं, उसकी रीजन ये कि मैं पाकिस्तान की सबसे एजुकेटेड फाइटर बनना चाहती हूँ. वाह, बहुत अच्छी सोच भाई, जो अभी तक नहीं है. और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फॉरन एजुकेशन के लिए जा रही हूँ, एलएलएम करने के लिए लंदन जा रही हूँ. अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं यही चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट भी करूँ, और मैं सबसे एजुकेटेड फाइटर हूँ, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि एजुकेशन आपके पैशन के दरमियान नहीं आता, नहीं दोनों को बस बैलेंस करके टाइम दें. अरे क्या बात है, जिस तरह से आपने बात की, आपका पैशन जो है बिल्कुल वो होना चाहिए, प्रोफेशन डिफरेंट होना चाहिए. एक तरफ आपका भी पैशन है, दूसरी तरफ आपका प्रोफेशन है. तो भाई विश यू गुड लक. और हम उम्मीद करते हैं कि जो डिग्री आप लेने जा रही हैं, वहां से आप सुरखुरू होकर वापस आए और अपने मुल्क का, हमारे मुल्क का नाम रोशन करें. और अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए बड़े मियां साहब और छोटे मियां साहब से. क्या हाल है मियां साहब? उस तरह जिस तरह ने छड़ के गए सा, एक दे माड़े हालात हो गए ने, हुन ते घर रोटी खान नहीं. मैं उन्होंने क्या ना देने आलू छोरा पकाया लाया जी, उन्होंने 5 लीटर की बोतल भरती थी छोरी ने, एडा माड़ा एडा लम्मा छोरा पका, टुबियां मार मार के खाना पिया, बड़े हालात है. तुम्हें छोरा साडे कोल आ जे बोटी कोणो पा लियो. I am prime minister. सबका प्राइम मिनिस्टर, यू नो शट योर माउथ. ओए बाबी दी कमीज पाड़ के वेस्टकोट सुना ली. यू आर एक्स प्राइम मिनिस्टर. मुंह बिल्लियां रखी सीधा बोल. लक्ष्मी चौंक दाल चौलों की रेहड़ी ला के लोगों को कहना मैं नवा रेस्टोरेंट खोले. मियां साहब इतने गुस्से में क्यों हैं? फॉरन फंडिंग केस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकया तुहाडे लाडले दा. दो हफ्ते हो गए ने, की कर लिया उन्हें किसी का? सही बात है, करोड़ों रुपए निकले ने सादक मीने, मेरे बनामे जो कख भी निकलिया तो मैं डाकू मशहूर हो गया. अपनी अपनी किस्मत ते तेरी किस्मत विच क्यों नहीं है तेनु स्टार्ट ते रक्षा बजे. केड़ा दिन होएगा मियां साहब तुसी पाकिस्तान आओगे? और तेनु कदों तलाक होएगी? मियां साहब अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई. किनकी?
ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਤੇ ਮਲੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੇਬਲ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਾ ਮਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਮੇ ਚ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਏਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਵਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ She isn't. She. Stay away from her, Mia Saab. Who? She. She beats the hell out of everybody. I said, how the hell of you is my power? Yeah, you told me last night. Don't talk to me. I know. I like it. I like it. I like that. Absolutely. I like that. Mia Saab, who do you like better? Together. You like both of them? Both of them. Put your hands together. Well, she's moving to London soon for her studies. I call him. Call her. I call her. You call her when? A lot of money. For he. For she. Yeah. But, you know English? Yeah, kind of. I try to speak. Main samjha tanu Punjabi vi nahi aundi. Mainu aundi hai. Acha. Aho. Mia Saab, kya kehna cha rahe hain ye aap inko? Kaun hai? ये मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं। Oh my God! क्यों है? ना ओए 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 How? You know, Bruce Lee. I know. Ha! You know that's working through. Which name? Nunchuck. No. You know Kung Fu? No. Bruce Lee, Kung Fu? No. Sadegal we have Baba Mang Fu. Aajkal bada Tang Fang Fu. And you are Kung Fu. Edi dukaan hai. Kedi? ਮਜ਼ੰਗਫੂ ਇਹ ਘਰ ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ ਵੇਚਦਾ ਜ਼ੰਗਫੂ ਬਾਬੀ ਲੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਫੂ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇਖੀਏ ਹਾਂਜੀ ਨੰਗ ਪੜੰਗਫੂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਪੰਗਫੂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ਾਟ ਅਪ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਫੈਸਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਚਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਮਸ਼ੂਕ ਤੇ ਲਾਣਤ ਪਾਓ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਪਿਓ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਾਸ ਬੱਲੀਏ ਜਾ ਘਰੋ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲਿਆ ਦੋ ਮੈਂ ਨਾਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਾਂ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਬੜਾ ਟਾਈਟ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਦਾ
ਫਾਫੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੋ ਹੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਲਾਂਗਾ ਹੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇੜੇ ਮੂੰ ਤੇਰਾ 65,000 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰੇ 25 ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਵਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਘਰੋਂ ਪਾ ਲਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਲਾਫ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲੋ ਇੱਕ ਰੋਵੇਂ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਦੂਜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੈਣ ਨਮਾਏ ਇੱਕ ਰੋਵੇਂ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਦੂਜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੈਣ ਨਮਾਣੇ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗਦੀ ਏ ਹੋ ਜਾਣ ਯਾ ਲਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੋ ਤੂੰ